जी मामा। बेटा कैसा है हमजा? तुमने मुझे बताया नहीं, कॉल ही नहीं की दोबारा। अभी ट्रीटमेंट चल रही है, डॉक्टर्स ने कहा है ब्लड लॉस ज्यादा है, ब्लड की जरूरत है। तो बेटा अरेंज करो कहीं से, आप दे दो ब्लड सैंपल, दो अपना। जी हम तीनों ने अपने सैंपल्स दिए हैं, अब देखते हैं किसका ब्लड मैच होता है, फिर ही लगेगा। कैसे परेशान ना हूँ बेटा, कर रही हूँ दुआ। एक तो तुमने मुझे वहां आने से भी रोके रखा है, बस जैसे ही सब कुछ अरेंज हो मुझे बताना। आप सब ने सिर्फ शहीद का ब्लड ग्रुप मैच किया है, मगर क्या डॉक्टर्स की राय के मुताबिक जो लॉन्ग टर्म मेडिसिन तुमने ली हैं, तो उसका असर अभी भी तुम्हारे ब्लड में होगा, तो उन्होंने तुम्हारा ब्लड लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा है। ये क्या बात हुई यार? अब क्या होगा फातिमा? बस एक ही रास्ता है। क्या क्या रास्ता बोलो? कि आज़र भाई को कॉल करके उनको बुलवा लो और उनका ब्लड ग्रुप शायद मैच हो जाए उससे, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फादर का ब्लड सबसे बेहतर होगा। वो कॉल तक रिसीव नहीं करता, ब्लड क्या देगा? हानिया तुम्हारी बात और है, हमजा की कोई और, उनकी औलाद है, उसके लिए वो जरूर कुछ करेंगे। तुम प्लीज एक बार ट्राई तो करो। फातिमा ठीक कह रही है हानिया, तुम एक बार ट्राई करके देखो, हो सकता है वो फोन उठा ले। आज़र को क्यों कॉल कर रही है? मैं ट्राई करता हूं। शहीर की कॉल? क्या मुसीबत है, दोनों एक ही साथ क्यों कॉल कर रहे हैं? भरी बात कर देती हूँ। दोबारा मिलाता हूँ, उठा लेंगे। आपकी मिलाई हूँ। बेल जा रही थी लेकिन फिर फोन बंद हो गया। मैं बाबा जान को करता हूँ, वो तो उठा ही लेंगे। नहीं उठा रहे। चलो कोई बात नहीं है, फिकर नहीं करो, मैं कहीं और से ब्लड अरेंज करने की कोशिश करती हूँ। प्लीज